नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मसौदा तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 19 जुलाई तक इस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। बड़ी बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बता दिया, लेकिन बिल के कुछ पहलू ऐसे हैं जिस पर विश्व हिंदू परिषद को भी ऐतराज है। मसलन एक बच्चे के पिता माता पिता को ज्यादा लाभ देने की बात, वहीं दो बच्चे की बात पर विश्व हिंदू परिषद अपनी मंजूरी दे रहा है। यूपी की बात की जाए तो शिक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक की राज्य में भारी कमी है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना क्या समय की मांग है? लेकिन सरकार के सामने जो चुनौती है वो इस बिल को कानूनी जामा पहनाने की है। बहरहाल फिलहाल सरकार के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आज की हम चर्चा शुरू करेंगे। तो अब सरकार की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मसौदा तो पेश कर दिया गया लेकिन क्या इसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून इतना जरूरी क्यों? जनसंख्या नियंत्रण कानून आखिर चर्चा में क्यों है? जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक याचिका दायर की गई थी एक कोर्ट में। मैं आपको एक कुछ ऐसे पहलू हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी और एक याचिकाकर्ता की दलील ये थी कि देश में अपराध, प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों और नौकरियों की कमी का जो आज कमी देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या की वजह से है। और इस वक्त हम चर्चा शुरू करते हैं और अभी इस वक्त हमारे साथ स्वामी चक्रमणि जी जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा। चक्रपाणी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में आज के समय की मांग जनसंख्या नियंत्रण कानून है? देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार की थी तो उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हमारे देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। तो उसका कारण क्या था बोलने का, क्योंकि हमारे देश में एक जनसंख्या जिस विस्फोट से बढ़ रहा है, स्वाभाविक है कि एक सीमित हमारे पास संसाधन है देश के पास, तो इसलिए बोला था। आखिर बहुसंख्यक को हम देखा क्यों किए जाने की बात उन्होंने किया था। तो आज वो बहुसंख्यक और संख्यकों का भेद मिटना चाहिए और देश में जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रित हो। आप बताइए, कोई व्यक्ति शादी कर लेता, विवाह कर लेता है और उसके 10 बच्चे पैदा हो जाए, उसको 2 जून की रोटी उसको नहीं दे सकता है, तो शिक्षा उसको कहां से दे सकता है, उसको चिकित्सा की व्यवस्था कहां से कर सकता है? तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों में या तो बच्चे चोरी करते हैं, या तो वो बदमाशी करते हैं, या तो छिनैती करते हैं, तो अपराध समाज में ऐसे ही बढ़ता है और अशिक्षा भी बढ़ता है और देश के संसाधनों पे जो संसाधन कमी है उसमें भी कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ अन्याय होता है। तो ये सबके लिए, इसको हिंदू और मुस्लिम निगाहों से न देख करके और मजहबी दृष्टि चश्मे से न देख करके इसको राष्ट्रहित में अगर देखा जाए तो वास्तव में आज निश्चित रूप से एक संतुलन देश का बिगड़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि आज जनसंख्या के लिए नीति निर्धारण करके उस पर कानून बनाया जाए, ठोस बनाया जाए। हाँ, ये जरूर है कि प्रदेश में जो आ रहा है हो सकता है वो उसका क्या समीकरण हो, उसका क्या, लेकिन हम तो चाहते हैं कि केंद्रीय स्तर पे बने। केंद्रीय स्तर पे बनेगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति के लिए वो लागू होगा और हर व्यक्ति को उसको कठोरता से पालन करने की, तो उसमें दो बातें, एक तो कानून बने, दूसरी जागरूकता भी उसमें आवश्यक है और हर धर्म गुरु, हर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जागरूकता भी करे और सरकार उस पर कानून भी बनाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रदेश स्तर पर ऐसा ना हो सिर्फ चुनावी एजेंडा बन करके या कुछ ऐसे जो बातें सुनने में वो बन के ना रह जाए, उससे वास्तव में अगर मनसा ठोस है तो उस पर ठोस कानून हमें बनाना पड़ेगा और ये देश हित में है, ये मानवता के हित में, अपने देश
अपने बच्चों जो भविष्य है उनके हित में है, तो सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। आज देखिए शिवम जी, कोविड के काल में आप देखो कि लोगों के पास पैसे तो थे लेकिन इलाज कराने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और बहुतों के पास तो इलाज कराने की कोई पैसे भी नहीं थे, वो घर में ही बेचारे मर गए। तो कहने का मेरा मतलब, अगर जो हमारे पास संसाधन एक सीमित है, उस सब चीज को देखना होगा, और निश्चित रूप से उसको हर भारतीय का एक कर्तव्य बनता है कि उसको स्वीकारे, इसको मजहबी चश्मे से या राजनीतिक दृष्टि से ना देखे। ये जरूरी मसला है। अभी हम अपनी रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कई और भी सवाल हैं जो हम चक्रपाणी जी से भी पूछेंगे और हमारे साथ जो और हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी पूछेंगे। आप पहले रिपोर्ट देखिए। देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वो ड्राफ्ट से एक बच्चे का नियम हटा दे। विहप का कहना है कि इससे समाज में असंतुलन बढ़ जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और लोगों से 19 जुलाई तक आपत्तियां मांगी हैं। इस बिल की प्रस्तावना में लिखा है कि ये बिल अन्य बातों के साथ साथ जनसंख्या को स्थिर करने और दो बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है। वह दोनों बातों से सहमत है। हालांकि बिल के सेक्शन 5-6 का पैरा 2 और 7 कहा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारी और अन्य लोगों का सिर्फ एक बच्चा होगा उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। इस नियम पर विहिप ने आपत्ति जताई है। जानकारी के मुताबिक विहिप ने अपने पत्र में कुल प्रजनन दर का उल्लेख किया है। इसमें बताया गया कि बिल में प्रजनन दर को 1.7% तक लाने की योजना है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अगर एक बच्चे की पॉलिसी लाई जाती है तो इससे समाज में आबादी का संतुलन पैदा होगा। सरकार को इस बारे में दोबारा विचार करना चाहिए, अन्य इसका असर निगेटिव ग्रोथ पर हो सकता है। आइए जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल में आखिर क्या खास बातें हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बबच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा। किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। कानून लागू होने के साल भर के अंदर सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में जनप्रतिनिधियों को नियम का उल्लंघन न करने का शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र देने के बाद अगर वो तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। 2 बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नजबंदी कराने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को 2 एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवन साथी को बीमा कवरेज जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। बड़ी बात यह है कि जब से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हुई है तब से इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के साथ ही विहिप ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात करें आखिर ये क्यों जरूरी है तो जान लीजिए। महिला साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 4th पिछड़ा राज्य है। जहां यूपी में पुरुष 80% साक्षर हैं तो महिलाएं 63% ही पढ़ी लिखी हैं। 11 से 14 साल की जहां 10% बच्चियां आज भी यूपी में स्कूल नहीं जाती हैं, वहीं 15 से 16 साल की उम्र तक बच्चियों का स्कूल जाना घटता है। दावा है कि 17% बच्चियां इस उम्र की किसी स्कूल नहीं जाती हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री रॉबर्ट मालियस ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि 2 गुनी रफ्तार से होती है, जबकि संसाधनों में इजाफा 1, 2, 3 या 4 यानी सामान्य रफ्तार से होता है। इसलिए संसाधन आबादी के बीच समान रूप से नहीं बट पाते। इसलिए आबादी नियंत्रण जरूरी है लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति के बिना। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आपने ये रिपोर्ट देखी। अब मैं हम अपने मेहमानों से और आपका एक बार फिर से परिचय करा दूं। हमारे साथ लगातार स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अब इस वक्त हमारे साथ नंदनीय प्रियदर्शनी जी भी जुड़ चुकी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार जमीनी स्तर पर किस तरह की चीज़ें और
किन चीज़ों की मूलभूत ज़रूरतें लोगों को महसूस हो रही हैं उन्होंने काफ़ी करीब से देखा है। नंदिनी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में, आज के समय में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा। जो भी हम जिस भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं, जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए या फिर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गए, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम अपने बच्चों को, आने वाली जेनरेशन को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज देना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और देखिए, हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि इस तरह के समाज में हमेशा से ही महिलाओं के ऊपर प्रेशर रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, पुत्र की चाह में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। और आगे चलकर देखिए, जिन जिन महिलाओं के 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते हैं, वो किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से क्यों ना हो, बाद में चल के उनका जो स्वास्थ्य है, उनका हेल्थ है, वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है उसको लाने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, जैसे योगी जी ये लेकर आ रहे हैं अभी इलेक्शन के पहले, तो मेरा मानना यह है कि एक नटशेल में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि योगी जी की ये एक नीति है, छोटा परिवार बंपर इनाम। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि थोड़ा सा इस पर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। और सिंस मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मैं प्रोज एंड कॉन, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मैं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पे बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से ये नीति सामने आई है, अभी जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, मेरी आवाज एको कर रही है, प्लीज इसको ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा कृपया चेक करें। तब तक मैं चक्रपाणी जी के पास आना चाहूंगा। चक्रपाणी जी, अभी जैसे आपने कहा कि एक महिला है जो 10 बच्चे पैदा करती है, 10 बच्चे पैदा होने के बाद असंतुलन हो जाता है, पारिवारिक असंतुलन होता है, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि उन 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकें, उनको अच्छी शिक्षा दिला सकें। ऐसे में शायद जरूरत बिल की नहीं, जागरूकता की है। देखिए, अभी नंदिनी जी ने जो बात कही है बिल्कुल बहुत सही बात कही है। वास्तव में यही है कि जब ज्यादा बच्चे हो जाते, स्वाभाविक रूप से न उसको शिक्षा, न उसको चिकित्सा, न उसको सामाजिक जो चीजें आवश्यक होती है, न उसको पौष्टिक चीजें मिल पाती है, और पूरी पारिवारिक ताना बाना बिगड़ता है, और सामाजिक इससे ताना बाना बिगड़ता है, फिर राष्ट्र का बिगड़ता है। सवाल इस बात का है, हम सिर्फ अपनी न सोचे। आप जरा सोचो कि कोई बच्चे पढ़ लिख करके जब बड़े होते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, विवाह करते हैं जब पढ़ लिख करके, वही जब बच्चे शादी करते हैं तो 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करते। आप जरा सोचो कि पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि 2 बच्चे हम कम से कम पैदा करें तो कम से कम उसको पढ़ा सके, उसको सही चिकित्सा की व्यवस्था दे सके, उसको सही अच्छे संस्कार देके, तो कम बच्चे रहेंगे। यानी कि वो देखता है कि अपने घर में हमारे जितने संसाधन है, हमारी पति पत्नी जितने हमारे पास कैपेसिटी है, उतने ही उसी अनुसार में हम बच्चे को वो करें, विकास करने का वो मौका देता है। तो क्योंकि अब आज शिक्षा भी चाहिए उसको, क्योंकि शिक्षा का आप देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ रही है। इन परिस्थितियों में जो अशिक्षित या कुछ इस प्रकार के लोग हैं, जो मजहब के नाम में या उनको अशिक्षा कहिए, अज्ञानता कहिए, उसमें जो बच्चे पैदा करने की मशीन बना लेते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न सिर्फ उस बच्चे के साथ अन्याय होता है, उस परिवार के साथ अन्याय होता है, बल्कि काफी चीजें देश भी कमजोर होता है, और उससे समाज में अनेक प्रकार की अपराधिक घटनाएं बढ़ती है। क्योंकि सवाल है कि जब वो बच्चा जब बड़ा होगा उसको रोजगार चाहिए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, समाज में जो असंतुलन है उसकी एक बड़ी वजह जनसंख्या का ज्यादा होना है। चक्रपाणी जी, एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, ऐसे में हिंदू महासभा इस बिल को किस नजर से देखता है? इसमें क्या कुछ ऐसे नकारात्मक पहलू भी हैं, या आप उसको देखते हैं कि नहीं, इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि कहा ये भी जा रहा है, जी कहा ये भी जा रहा है कि जिसके आने वाले समय में एक बच्चा होगा उसको सरकार और भी मदद देगी।
शिवम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहले दिन योगी जी की तरफ से आया ये मैटर, तो चूंकि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए शुरू से मांग कर रहे हैं, तो हमने पहले ही कहा कि अगर कानून बना दिया जाए, और जिस तरह की प्रलोभन रूपी जो दिए जा रहे हैं कि अगर दो बच्चे जो करेगा या एक बच्चे पैदा करेगा तो उसको ये सुविधाएं मिलेगी, और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वर्ग ऐसा है जो सरकारी नौकरी उसे नहीं चाहिए, वो अल्लाह ताला का वो उपहार समझ करके वो बच्चा पैदा करने जाता है। तो धीरे धीरे होगा क्या कि 10 सालों में 5 सालों में संतुलन बिगड़ जाएगा, वो तो हम चार हमारे 40 पैदा कर देगा, लेकिन हिंदू जो है वो नहीं कर पाएगा, वो तो एक में दो में नौकरी की सोचेगा, और एक समय 5 साल के बाद इतनी संतुलन बिगड़ जाएगी कि वो फिर, क्योंकि वो तो नगर निगम तक ही माना जा रहा है कि नगर निगम या निकाय तक चुनाव में भागीदारी नहीं लेगा, लेकिन संसद तो में तो जा सकता है, लोकसभा विधानसभा में जा सकता है, और आप जनसंख्या के आधार पर लोकतंत्र में तय होता है जिसकी कितनी भागीदारी है, तो उस आधार पर तो कल की डेट आएगा वो अपनी वो कर लेगा, तो संसद पे भी विधानसभा पे भी हर जगह वो करके और अपनी तुरंत पलट सकता है। इसलिए कानून जो बने, जो नंदिनी जी ने बहुत अच्छी बात की कि उसके जो खामियां हैं उसकी जो और भी कड़े से कड़े, उस पे हर चीज पे डिस्कशन होने चाहिए, उस पे डिबेट होने चाहिए, और उसके बाद उसको राष्ट्रीय स्तर पे लागू किया जाए। ये सिर्फ मामला प्रदेश का नहीं है कि आसाम में लागू हो गया या यहाँ पे लागू, अब आसाम में लागू है तो वहां पे उन्होंने कर दिया कि जो सवर्ण है, सवर्ण भी, सवर्णों को एससी और ओबीसी को छूट है, सवर्ण नहीं पैदा कर सकते, उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो इसमें भी आरक्षण देने की जो बात है, तो ये समझ से परे है। तो अपने अपने प्रदेश अनुसार जो कर रहे हैं गलत है, केंद्रीय स्तर पे जनसंख्या एक नीति एक कानून बनना चाहिए, और कड़ाई से उसको पालन किए जाने की सिक्योरिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के सफल होगा, क्योंकि मामला देश का है, केंद्रीय स्तर पर कानून बनना चाहिए और सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। नंदिनी जी, जी बिल्कुल, हम लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, लगातार जागरूकता की बात कर रहे हैं, अब ऐसे में जब बात आती है शिक्षा को लेकर, तो हम सेक्स एजुकेशन को लेकर क्यों पीछे हट जाते हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, जबकि मुद्दा तो वहीं से शुरू होता है। देखिए, जिस तरह से कानून को लागू करने की बात की जा रही है, अभी फिलहाल ये नेशन स्टेज में है, तो इसमें जागरूकता की भी बात कही गई है। इस ड्राफ्ट बिल में ऐसा कुछ प्रोविजन है कि बच्चियों में और लड़कों में स्कूल के लेवल पर जागरूकता जो है वो फैलाई जाएगी, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखिए, जैसे वाइल्ड पॉलिसी की हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो भी कानून जो लाए जा रहे हैं उस पर एक चर्चा परिचर्चा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें चाइना से सीखना होगा, हमें चाइना का एग्जाम्पल देखना होगा, क्योंकि वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो यूथ पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से कम हो चुकी है, और जो यूथ पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो हमारे समाज में नई ऊर्जा भरती है, इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी को वो ड्राइव करती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम एक आयरन फिस्ट के साथ, एक आयरन हैंड के साथ अगर इस तरह के कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में वो वर्कआउट नहीं करे। मुझे लगता है कि जो हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है, जो एक हमारा जो यूथ रिजर्व है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, ताकि वो इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रोल जो है वो निभा सके। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात भी कही गई है, दूसरा सजेशन मैं देना चाहूंगी, जैसे कि जो सरकारी नौकरी में बहुत सारे फायदे देने की बात कही गई है, कि जो भी टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को अपनाता है या वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को अपनाता है, तो उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे सरकारी नौकरी में, और टैक्स में बहुत सारी छूट मिलेगी, ये सारी बातें कही गई। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो सरकारी नौकरी में जो भी हैं, जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या छोटे बड़े लेवल पे जो भी सरकारी नौकरी में है, तो अगर आप देखें शहरों में, तो वो जनरली छोटे ही परिवार रखते हैं, बहुत उनके परिवार बहुत बड़े नहीं होते, तो एक तरह से कि हमारा जो स्टेट एक्सपेक्टर होगा उस पे बर्डन होगा, तो जितना हम टैक्स में छूट देने की बात करें या बेनिफिट्स देने की बात करें, उसको मुझे लगता है कि उस पैसे को हम उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें हम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं,
वो आप देखिए तो ज्यादा महिलाएं हैं। अब जो पुरुष है वो जो पुरुष है वो भी कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर जागरूकता जो है पुरुषों में फैला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स में पुरुषों को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए ताकि इस तरह के जो कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स हैं उनमें उसके बारे में वो जागरूकता फैला सके ताकि ये एक जागरूकता के लेवल पे अवेयरनेस के लेवल पर इसको कंट्रोल किया जा सके ना कि एक लॉ या सशक्त कानून लाने की जरूरत पड़े। मुझे लगता है कि आप 21st सेंचुरी में 21st सदी 21st सेंचुरी डेमोक्रेटिक इंडिया में किसी भी रूल को इस तरह से आप स्ट्रॉन्गली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको एक शायद इस पे ज्यादा चर्चा परिचर्चा करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। और इनफैक्ट 1975 की जल्दी से सीखने की भी जरूरत है। मेरा एक सजेशन है जैसे महिलाएं हैं इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, मैं इस बिल की तारीफ करती हूँ और मैं इसका स्वागत भी करती हूँ। जैसे इसमें बहुत सारे प्रोविजन है कि अगर किसी की बेटी हुई और वन साइड नॉर्म उसने अपना लिया तो उस लड़की को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एजुकेशन में और काफी उसे आई थिंक कैश बेनिफिट भी मिलेगा उस लड़की को। तो ये कहीं ना कहीं लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप यूनिसेफ की रिपोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश में जो मैरिड लड़कियां हैं जो टीनेज में जिनकी शादियां हो जाती हैं कच्ची उम्र में जिनकी शादी हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में उनका सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है। अब इन लड़कियों की जब शादी हो जाती है जल्दी शादी हो जाती है इनके बच्चे भी जल्दी जल्दी पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर वो कहीं ना कहीं देखिए कुपोषण गरीबी के कुचक्र में वो फंसते जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप लड़कियों की जो मैरिजेबल एज है वो 18 से 21 साल कर दीजिए और लड़कों की 25 कर दीजिए। और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लड़कियां हैं उनको कम से कम 10 या 12 साल की एजुकेशन उसको पूरी तरह से मैंडेटरी कर दीजिए और फ्री कर दीजिए और साथ ही साथ उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने का वादा करिए। तो इससे क्या होगा कि जब लेट मैरिजेस होंगे इंटरजेनरेशनल गैप जो है वो ज्यादा। प्रियदर्शनी जी ने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है और कई चीजें ऐसी हैं बिल्कुल जो है वो ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको प्रियदर्शनी जी, मैं चक्रपाणी जी के पास आऊंगा। चक्रपाणी जी, इस वक्त जो जरूरत है वो जागरूकता की नजर आती है और प्रियदर्शनी जी ने ये साफ तौर पर कहा है कि शायद कानूनी जामा पहनाने की इस वक्त जरूरत नहीं है, फिर आप क्यों कानूनी जामा पहनाने को जोर दे रहे हैं? नहीं देखिए अब स्थिति तो देखो विस्फोटक हो चुकी। एक तो मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है, इसको थोड़ा ठीक कराइए। ठीक है मैं बोलता हूँ अपने। देखिए क्या है कि वास्तव में जनसंख्या एक बहुत ही विकराल स्थिति हो गई है और इसमें क्या है कि पहले इसको ठीक कराइए, मेरी आवाज मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। जी मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा कि कृपया ये देखें कि क्यों ये आवाज इको कर रही है। शिवम जी हमारे यहाँ एक कहावत है कि पांडव की शक्ति में विश्वास करिए कौरों की भीड़ में नहीं। यानी कि ये कहा गया है कि जब आपकी मान लीजिए आबादी खूब हो और किसी काम का नहीं हो तो निश्चित रूप से किसी काम का, यानी कि पांच पांडव की शक्ति पर विश्वास करिए कौरों की भीड़ पे नहीं। हमारा ये मानना है सीधे कि हमारे पास जितनी भी लोग हो उतने ही हो जिसको संसाधन का उसका उसका उसको फल मिले और उस संसाधन के द्वारा देश और राष्ट्र का नाम रोशन करे। लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ अलग हो जाएगी, स्थिति यहाँ पे विस्फोटक ये हो जाएगी कि अगर जो कानून जल्दी नहीं बना तो कानून न बनने का परिणाम स्वरूप क्या होगा कि लोगों पे और एक खास तौर से मुस्लिम वर्ग में ऐसा है कि चार चार शादियां जो करके और 40-40 बच्चे जो पैदा करने की जो परंपरा है ये बड़ा घातक है। आप ये समझिए कि एक व्यक्ति, आप देखो उदाहरण, एक पढ़े लिखे इमरान खान, वो जो इमरान खान है उनपे दे रहा हूं अभिनेता, दो शादी में दो तीन चार बच्चे पैदा कर दिए, अभी तीसरी के लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब कि मुसलमानों में खास तौर से ये बातें देखने में आती है, चाहे वो हो तो इसलिए ये जागरूकता के साथ कानून भी आवश्यक है। कानून बन जाएगा तो काफी हो रहेगा। कई बार तो हिंदू शादी करने के लिए दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हिंदू एक्ट में एक विवाह से
दूसरी विवाह करोगे तो जेल जाओगे, और उसके लिए इस्लाम स्वीकार करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने भी हेमा मालिनी से करने के लिए उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया कागज पे, और उसके बाद वो किया। तो ये इस तरह से क्या होता है कि धर्मांतरण को भी बढ़ावा देता है। तो कानून एक होने चाहिए सबके लिए, इसीलिए अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने जो समान नागरिक संहिता के लिए आदेश किया है और कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता होना चाहिए, इसको लिए भी केंद्र सरकार को आगे बढ़कर के समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब पे एक कानून लागू हो। ऐसा नहीं कि एक तो मजहब के आधार पे तो सभी पर समान रूप से वो कानून जो है वो लागू होना चाहिए और सभी को समान रूप से अधिकार भी मिलने चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मतीन खान जी जुड़ चुके हैं। मतीन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन जी, मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इस वक्त जो जनसंख्या नियंत्रण जिसकी बात की जा रही है, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, इस मुल्क में गरीबी एक सबसे बड़ा मसला है। गरीबी और मुफलिसी, आप लखनऊ शहर से बाहर आप जाएं, गांव कस्बात में करीने में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग अशिक्षित हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग अनअवेयर हैं, अवेयर नहीं है। वहाँ पर फैमिली प्लानिंग को के लिए लोगों को उत्सुक करना चाहिए। वो सरकारें जो भी मौजूदा सरकारें रही हैं, सब के सब नाकाम रही हैं। कोई लाठी और डंडे की जोर पे कोई काम कभी न किसी कभी कहीं कामयाब हुआ है और न कभी हो सकता है। इसलिए कि सोनिया मिसेस गांधी के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पे संजय जो उनके बेटे थे, उन्होंने बाकायदा इस बात को आइडेंटिफाई किया था कि साहब मुसलमान और जो दलित हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए। तबाह बर्बाद हो गए। आज कोई देख ले के पूरे यूपी के अंदर कोई नाम लेवा नहीं आ रहा है। उसी तरह से आज इससे पहले चाइना में देख ले, चाइना में उन्होंने फैमिली प्लानिंग किया। फैमिली प्लानिंग का नतीजा ये हुआ, आप चेता फैमिली, फैमिली प्लानिंग का नतीजा ये हुआ कि वहाँ सब बूढ़े हो गए, जवानों का देश, जवान वहाँ, जवानों की तादाद कम हो गई। हमारे देश की एक खूबसूरती यह है कि ये देश जवानों का था। जब हम लड़े हैं अंग्रेजों से तो हमारे यूथ लड़े थे, तब हम आजाद कर पाए। आज भी जरूरत है हमारे यूथ को। अगर हमारे यूथ रहेंगे और यूथ रहेंगे तभी हमारे देश की आइडेंटिटी है। और हम अमेरिका, यूएई, दुबई, दुबई और तमाम देशों में हमारे टेक्निकल लोग वहां मौजूद हैं। हमारे देश में जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज जो हमारे देश से मुआहदा करती हैं, वो इसलिए कि यहाँ की जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या के बिहाव पे हमारी आइडेंटिटी है। हम यहाँ पर जनसंख्या को अगर खत्म, जनसंख्या कानून लागू कर देंगे तो इस देश के अंदर 1000 अनुपात अगर लगाया जाए तो जो शहरी क्षेत्र हैं, जो पढ़े लिखे, लेकिन ब्राह्मण समाज में 1000 में तकरीबन 5-6 लोग मरते हैं, और वही जो आदिवासी है, दलित है, जो पिछले तबके के लोग हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से जो वांछित तबका है, उनकी तादाद बहुत बड़ी तादाद में, जो आज यहाँ पर जो लोग अवेयर हैं, जो पढ़े लिखे सुसज्जित समाज है, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनके यहाँ जो 2 बच्चे पैदा होते हैं तो 2 बच्चे उनके कोई बीमारी इस तरह से नहीं होती है कि जिससे वो मर जाए। आज गांव देहात कस्बत में आप जाकर के देखिए, जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो बात तो वही हो रही है कि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, मतीन जी, बढ़ने के बाद भी फिर तो और मर जाते हैं। सवाल तो वही है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या कानून का लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सुविधाएं जितनी आबादी के लिए होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है। देखिए, सुविधाएं, आप किसी को खाना कोई खिला नहीं सकता दुनिया के अंदर। गॉड ही है, अल्लाह ही है जिसको जो खाना जिसको चाहे खिला सकता है। दुनिया में जो इंसान आता है उससे पहले उसका रिस्क आ जाता है, उसका खाना आ जाता है। चकपाड़ी जी, इससे पहले देख लीजिए, तादाद बहुत कम थी लोगों की। जो पैदावार थी खेतों की, खलियान में जो पैदावार थी बहुत कम थी। आज पैदावार हमारी देखें कि 70 साल पहले हमारी जो पैदावार थी भारतवर्ष में और आज की क्या पैदावार है। आज हम खनिज देश में से शुमार हैं। हमारे पास जनसंख्या बढ़ने से कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा है। बताइए कितने लोग चकपाड़ी जी मर गए भूखे। मतीन जी कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने से कोई भूखा नहीं मर रहा है।
देखिए शिवम जी, समस्या ये है ना कि यही सोच जो मतीन खान की सोच है यही देश को गर्त में ले जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जी बुढ़ापे हो जाते हैं, देखो चाइना में, चाइना से अपनी तुलना ना करिए। आपके यहाँ तो बुढ़ापे में 80 साल का बुड्ढा भी शादी कर लेता है 16 साल की लड़की की। क्या बात कहां कर लिया शादी कर, चार विवाह की कहां कर लिया ये बता दीजिए आप। मतीन खान जी देखिए, 80 साल के बूढ़े ने इससे शादी कर ली, बता दीजिए आप लोग। कोई आरोप लगाने से पहले कोई प्रमाण रखा करिए। हम चार हमारे 40 की अल्लाह के नाम पे चार चार शादी कर लेते हैं, बताइए जरा। एक दो नमूने तो दे दीजिए चकबाड़ी जी, चकबाड़ी जी एक दो सुनो मतीन खान जी, इस तरह की बात एक दो नमूने तो बता दीजिए चकबाड़ी जी। आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, आप बताइए कितने लोगों ने चार शादियां की, 40 बच्चे, कोई भारत के अंदर एक नमूना लेके आ जाइए खाने की, दो बताइए तो। अरे चकबाड़ी जी कहाँ है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, आपके बच्चे तो विदेश, शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है बताइए आप। अरे गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों के अन्न पहुंचाना, उसको खाना खिलाने का जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी नहीं कर पाएंगे हम जिम्मेदारी पूरी करेंगे नहीं, हम चिकित्सा सुविधाएं पूरे देंगे नहीं, हम ऑक्सीजन दे नहीं पाते हैं, हम उनको जो है अंतिम संस्कार के लिए हम उनको जलाने की लकड़ी दे नहीं सकते। बात करते हैं, बात करिए, चिल्ला कर जिहाद करिए, आप बोलने मत दीजिए हमें, ठीक है। पहले बात कर लीजिए, रुकिए 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 मतीन जी, चक्रपाणी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, ठीक है चक्रपाणी जी आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए शिवम जी यही गलती है, ये कहीं भी जाते हैं मतीन खान जी ना यहाँ पे डिबेट जिहाद कर रहे, बोलने नहीं देंगे ये, जब तक बोले मैं सुनता रहा। नहीं मैं नहीं बोलने दूंगा, आप बोलिए। देखिए किसी भी, मैं कह रहा हूँ कि अगर जनसंख्या नियंत्रण बदल, सबसे बड़ी बात नंदिनी जी ने जो पहले ही कहा कि हर चीज पे डिबेट होना चाहिए, हम भी उस पर सहमति है कि उसके क्या पक्ष है, क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है, और देश हित में सोचना चाहिए, मजहब से ऊपर उठना चाहिए। अरे आते करे जी अल्लाह की देन, अरे सब जानते हैं कि परमात्मा की देन है। क्यों आप धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं, देखिए अगर कानून लाया जा रहा है तो वो सभी धर्म के लिए बराबर है, फिर आप उसे धार्मिक नजरिए से क्यों? धार्मिक नजरिए से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो वांछित समाज है, आप बताइए जो जो गांव गिराव में, जो कस्बात में, जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पर हमारी महिलाएं जो है जो शादी होती है उनके यहाँ 90% हमारी गांव गिराव की महिलाएं हैं, बाकायदा रिपोर्ट से वो 90% एनीमिक होती है, उनपे खून की कमी होती है, उनके बच्चों की पैदावार जो हो रही है, बच्चे उनके उनको प्रॉपर उनको इलाज नहीं मिल रहा है। आप देखिए जाकर के उनके बच्चे या मतीन खान के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, और जो गरीब बेचारे हैं मुरली मुर्ख को पढ़ने के, उनको खाने के दो रोटी नहीं मिलता, शिक्षा चिकित्सा के लिए नहीं मिलता, और यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी सरकार की जिम्मेदारी सरकार काहे की नहीं होती है, सरकार ही तो चकबाड़ी जी बताए सरकार की जिम्मेदारी है, उनको खाने की शिक्षा की सुविधा नहीं है, सरकार अपने काम में फेलियर रही है, अब सरकार ने डाइवर्जन का काम शुरू कर दिया है, सरकार डाइवर्जन का काम कर रही है, अपनी सुविधाएं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरी तरह से सरकार फेलियर हो गई है कि वो लोगों को दवा नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाई, खराब हो गई है। उसमें डिबेट होगी, उसमें बात होगी कि क्या सही है क्या नहीं सही है। आप पैदा तो अल्लाह के नाम पे कर दो, फिर कहो कि सरकार खिलाएगी। अच्छा जो गांव में कस्बात में लोग हैं और देश के प्रति कोई जिम्मेदारी है भाई, गांव कस्बों का नहीं है ये, ऐसे ना बात करिए, ठीक है। आप समाज को गलत दिशा मत दीजिए, मैं रोकना चाहूंगा आपको यहां पर चक्रपाणि जी। जी बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा, हां मैं रोक लिया जी जी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी जी। हाँ हाँ, देखिए जैसे ये जो ड्राफ्ट बिल बना है इसको रीथिंक करने की जरूरत है, ताकि एक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो और सोशल वेलबींग जो है सारे सेक्शंस में हमारे समाज में वो प्रिवेल करे। और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये धर्म विशेष के बारे में नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, जब हम धर्म की बात करते हैं या पार्टी लाइन्स पे बात करते हैं तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले देखिए आप महिलाओं के बारे में सोच,
उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनको फोर्स किया जाता है 6-6, 8-8 बच्चा पैदा करने के लिए। हम लोग तो गांव में काम करते हैं और हर सेक्शन की, हर तबके की, हर धर्म की महिलाओं से हम लोग मिलते हैं। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जब ओल्ड एज में उनकी क्या हालत हो जाती है और किस तरह से उनको वो चिकित्सा भी नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जो कानून जब आता है, मेरा मानना यह है कि आप अवेयरनेस के लेवल पे चीजों को अगर ठीक कर सके तो बेहतर होगा, लेकिन कानून जब सशक्त तरीके से आता है, एक प्रॉपर तरीके से आता है और उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके फायदे भी बहुत हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ डाउरी लॉज हैं, दहेज को लेके कानून है जिसका कई बार मिसयूज भी होता है, लेकिन आज भी लोगों के मन में या लड़कों के मन में एक खौफ तो है कि वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, या इन लॉज के मन में एक खौफ है कि वो अपनी बहू को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि डाउरी लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं डाउरी लॉज के तहत। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है, जैसे बात की जा रही है कि एक नेशनल लेवल पे इस प्रकार का कानून आए, लेकिन हाँ, कानून को इस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए कि भारत की जो स्थिति है वो चाइना जैसी ना हो जाए, मेरा कहना ये है। ठीक है मतीन जी, छोटा परिवार सुखी परिवार, आप इस पर सहमत हैं या नहीं? देखिए, अवेयर कर देना गवर्नमेंट की, जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लोगों को अवेयर करें कि भाई आप ये काम करो, बेहतर है, आपका स्वस्थ हो, आपके बच्चे भी स्वस्थ होंगे, बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी। मगर आप चाहे अरे अब आप बीच में क्यों आ गए, बीच में फान के चकपाड़ी जी, आपकी आदत है सुनने की, आप सुनने की आदत हो गई है आपकी, अवेयर करेंगे नहीं सरकार? अब आप ये डिक्लेयर कर दिया आप बीजेपी में या कांग्रेस की तरफदारी में बैठे हुए हैं? आप संजय गांधी वाले हैं या मोदी वाले हैं? चकपाड़ी जी आज क्लियर कर दीजिए, आप संजय गांधी वाले हैं? पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है। आप बताइए, आप जो है संजय गांधी वाले हैं या मोदी वाले हैं? आप क्लियर कर दीजिए, आप बताइए। अरे चक्रपाणी जी, आप पहले मैंने जो सवाल पूछा वो आप बता नहीं रहे, आप इसको डाइवर्ट करने का काम करें। देखिए पहले मेरा सवाल छोड़िए, मेरा जो सवाल था पहले आप उसका जवाब देने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। देखिए, फोर्सफुली कोई भी काम किया जाए गलत है। चाइना में फोर्सफुली बच्चों पाबंदी लगाई गई और उसके नतायज ये हुए कि चाइना में जवानों की तादाद घट गई। अगर भारत के अंदर भी इस तरह के मामलात किए जाएंगे उसके उसके गलत नतायज होंगे। बेसिकली देखिए, यहाँ पर इस मुल्क में दलित ओबीसी, अरे चकपाड़ी जी आप सुनिए बात, चकपाड़ी जी बात सुनना पड़ेगी आपको। असल में यहाँ पर एक नैरेटिव है, चकपाड़ी जी बात सुनिए, आप ब्राह्मण है इसलिए आप बात नहीं करेंगे। आप चकपाड़ी की बात सुनिए, आप बेसिकली इस देश के संविधान में दो लोग हैं, एक सज्जित लोग हैं और एक जिनको समाज की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही वो तबका है, एक गरीब है एक अमीर है। गरीब तबका जो वो है जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसमें प्रजनन के टाइम पे हमारे रिपोर्ट्स हैं 5 लाख के करीब हमारे बच्चे मर जाते हैं, गरीब परिवारों के 5 लाख के करीब बच्चे मर जाते हैं। गरीब परिवारों के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपनी उम्र आने तक के 2-3 बच्चे मर जाते हैं, वहाँ की तादाद बहुत दयनीय है। वहाँ पर हम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाते, हम चिकित्सा सुविधा नहीं दे पा रहे, हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे, इस बात को एडमिट करना चाहिए। आपने अपनी बात कह ली, मैंने सवाल पूछा छोटा परिवार सुखी परिवार, आपने उस चीज को घुमा दिया, आपने चाइना का एग्जाम्पल दिया। प्रियदर्शनी जी, अभी मतीन जी कह रहे हैं कि अगर हमने कानून को लागू कर दिया तो हालात हमारे चाइना जैसे हो जाएं, क्या वाकई में ऐसा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल जैसे चाइना में जिस आयरन हैंड से, जिस आयरन फिस्ट से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट किया गया था, तो वहां पे जो यूथ पॉपुलेशन है, जैसा कि मैंने कहा कि यूथ जो है नई सोच को सिंबलाइज करते हैं, नई ऊर्जा को सिंबलाइज करते हैं, वो फिर यूनिवर्सिटीज हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, तो वहां पे जो यंग पॉपुलेशन है उसकी बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। और जो यंग पॉपुलेशन है वही हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ड्राइव भी करता है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना का एग्जाम्पल हमारे सामने है और मुझे लगता है कि जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स या आगे चल के जो भी कानून बन रहे हैं, लॉस बन रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाइना का
एग्जाम्पल सामने रखना होगा। और हाँ, आप किसी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आप बहुत ज्यादा आयरन फिस्ट के साथ, एक आयरन हैंड के साथ, बहुत ज्यादा कोअर्शन के साथ, बहुत फोर्सफुली किसी प्रोग्राम या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये हमने 1975 में देखा है। ये आपको भी पता होगा मैं किस इशू के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जागरूकता जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है, लोगों को जागरूक करना। और मुझे लगता है जनसंख्या विस्फोट का एक बहुत बड़ा कारण गरीबी भी है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ताकि वो ज्यादा बच्चे यानी ज्यादा हाथ, वो ज्यादा पैसे कमा कर लाएंगे। आपने देखा ही होगा कि छोटे छोटे बच्चों को बाहर काम करने के लिए उनके माता पिता, गरीब माता पिता भेज देते हैं। यानी उनका परसेप्शन दूसरा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पहलू पर भी सोचना होगा। लेकिन हाँ, अगर एक सशक्त कानून आता है तो जनसंख्या को नियंत्रित करने में बहुत बहुत कामयाबी मिलेगी। देखिए, हमने किस तरह से देखा कि कोविड पैंडेमिक में, स्पेशली जो सेकेंड वेव आया, किस तरह से लोग संक्रमित हो रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो गई थी, डॉक्टर्स की कमी हो गई थी, हॉस्पिटल्स की कमी हो गई थी, क्रिमेशन ग्राउंड्स जो थे वो खाली नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत कहीं ज्यादा अधिक है। और उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे पहलू भी हैं, उस पर सोचने की भी जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यूनिसेफ की अगर आप रिपोर्ट देखिए तो चक्रपाणी जी, अभी और विचार करने की जरूरत है। इतनी जल्दबाजी में, जो टीनेजर जल्दबाजी में किसी भी कानून को लागू नहीं कर दिया जाना चाहिए टीनेज में। नहीं देखो, मैं लड़कियों की जब शादी होती है, शिवम जी मैं खुद ही हूँ, इस तरह की चाहिए लेकिन प्रियदर्शनी जी रुकिए रुकिए, प्रियदर्शनी जी मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हम तो शिवम जी, हम तो अभी तय करना पड़ेगा कि कौरववादी सोच का कौन है, पांडववादी सोच का कौन है। मैं तो 5 पांडव की शक्ति में विश्वास करता हूँ। मतीन खान जी कौरवों की भीड़ में विश्वास करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे हमारा देश का भविष्य हो, उज्ज्वल हो, वो मजबूत हो, उसको शिक्षा, चिकित्सा हर प्रकार की मिले। और निश्चित रूप से देखो, चाइना से हम भारत की तुलना नहीं कर सकते। चाइना ने जनसंख्या नियंत्रण बनाई, कानून बनाई, आज युवा भले उस पर देखा जाए कम है, लेकिन आज जितनी प्रगति चाइना ने किया, विकसित देश है, हमारा तो विकासशील देश है, वो भी कितना पीछे है अभी देख दीजिए। आर्थिक रूप से चाइना बहुत संपन्न देश है। और उसका एक कारण और था, जितने सालों पे जनसंख्या नियंत्रण किया, तब से ज्यादा और उसने ग्रोथ किया है। तो उसका विकास देखेंगे शिवम जी, तो बहुत ज्यादा विकास किया है। तो अगर जो हम जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाए और कौरववादी सोच और सुनिए और मतीन खान जी की सोच को हम लोगों ने नहीं विराम लगाया, तो देश की हालत बहुत खराब होने वाली असल है। असल में ये गरीब और गरीबों के दुश्मन है, इनकी विचारधारा गरीब और गरीबों के दुश्मन है। इस देश से गरीबी को नहीं, गरीबों को खत्म करने की विचारधारा है इनकी। ये 5 पांडव वाली जो विचारधारा बता रहे हैं बार बार, ये सिर्फ ब्राह्मणवादी सोच है। इसमें बेसिकली इनका ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो जो जिनको जो लोग गांव गिराव कस्बात में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, वो जो वोटिंग राइट है उनका, ये वोटिंग राइट खत्म करके उनको गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। वो अब पढ़ लिख करके डीएम एसपी एसएसपी बन चुके हैं, वो सत्ता शासन में आ चुके हैं, इससे ये घबरा रहे हैं। ये इसीलिए चाहते हैं, ये लोगों को मशीन बना रखा है। अरे ये महिलाओं के खिलाफ ये कानून है, ये कानून महिलाओं के खिलाफ है, ये 2 बच्चों का कानून महिलाओं के खिलाफ है। इसलिए जब एक पंप लगा करके आदमी जाता है, फिर वो ये नहीं देखता है, फिर वो जाता है जा करके जो अपना काम करना होता है करता है। अच्छा चलिए जगपाली जी मान ली आपकी बात, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जगपाली जी, बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने के लिए जगपाली जी आप कांग्रेस की बड़ी हिमायत करने वाले लोग हैं, बताइए जगपाली जी,
अगर एक बच्चा हुआ और अगर दूसरा बच्चा जुड़ना हो गया और तीन बच्चे हो गए तो क्या करेंगे बताइए आप, क्या सवाल है, क्या जवाब देंगे? अगर एक बच्चा है और दूसरा बच्चा अगर ट्विंस हो गया, जुड़ना बच्चा हो गया तो क्या करेंगे आप, क्या उसका क्या करेंगे आप? यही अबॉर्शन का नाम वहाँ पर, यही भ्रूण हत्याएं वहाँ पर हुई है चाइना के अंदर, भ्रूण हत्याओं ने मानसिक लोगों को बीमार कर दिया है, मानसिक बीमार हो गए, वही मानसिक बीमारी आप यहाँ देना चाहते हैं, वही मानसिक बीमारी आप देना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ की महिलाओं के दुश्मन है आप, ये किस तरह से महिलाओं के खिलाफ है, इसका जवाब दीजिए, जवाब क्या, किस प्रकार से ये कानून महिलाओं के खिलाफ है, आप क्या चाहते हैं कि क्या महिलाएं 10-10, 12-12 बच्चे पूरी जिंदगी भर पैदा करें और उनका भरण पोषण करें और आगे चलकर वो खुद बीमार पड़ जाएं, वो यूटेरस कैंसर का शिकार हो जाएं, और क्या आप ये चाहते हैं, किस प्रकार से ये महिलाओं के खिलाफ है, जवाब दीजिए मुझे। देखिए आप नहीं चाहते कि महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं का आर्थिक उत्थान हो, चाहता हूं महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, आप बताइए किस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए। तो देखिए जिस अंदाज में देश का जो हालात है, जो आपके गांव गिराव में कस्बात में जो हालात हैं, जहां पर महिलाएं 90% महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं, बीमार हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल महिलाएं एनीमिक हैं, जिस हिसाब से गांव में लोगों की टेंडेंसी है, जब लोग जाते हैं वो बच्चे पैदा होते हैं ताकि उनकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाए। नहीं नहीं भाई, उसको उसको बेसिकली नंदिनी जी की बात सुनिए, अरे बात तो सुनिए आचक मतीन खान इनकी बात सुनिए, देखिए ये सही बात बोल रही है, समाज सेविका है, मैं कह रहा हूँ समाज सेविका है, बढ़िया सही बात कर रही है, जमीन पे काम करती है, इनकी बात सुनिए, अरे मेरी बात तो सुने चकबाड़ी जी, अमल करिए, मैं ये कह रहा हूँ महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, मैं महिलाओं के सम्मान मतीन खान जी के वहाँ पर जब बोलने क्यों नहीं दे रहे, खड़ा करके जाते हैं तो वहाँ पर ये नहीं देखते हैं उसका उसका हनन होता है, उसका उसका वो जो है जब हालात बिगड़ते हैं, जब बच्चा पैदा हो, बच्चा हमल में आ जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, आप कानून बना देंगे दो, अगर तीसरा बच्चा हमल में ठहर गया तो क्या होगा उसका, तीसरा बच्चा अगर आ गया तो कानून बताएगा उसके काम में उसका गर्भपात कराएंगे, देखिए ये जनसंख्या अपनी बढ़ा करके गर्भपात की वजह से लोगों का हमला करते हैं, अवेयर करें, अवेयर करके आपके दिल में खोट है मतीन खान जी, आपके दिमाग में खोट है लोगों को, अरे उस पे तो डिबेट होगा यार, उस पे तो विधानसभा लोकसभा में उस पे तो बात होगी ना, वो बैठ के टीवी पे ही आप करोगे, आप पहले मन तो बनाओ कि हर जनसंख्या नियंत्रण करना है, आप पहले मन तो बनाओ कि जनसंख्या नियंत्रण करना है, लेकिन आपने संकल्प लिया नहीं, चार शादी करूंगा, चार बड़ा 40 बच्चे पैदा करूंगा, महिलाओं को मशीन बना दूंगा, तो उसके लिए कुछ आपका दिमाग में सबका ऑडियो डाउन कर दिया जाए, तीन बच्चे अगर तीसरा बच्चा अमल में आ गया ठीक है, मतीन जी एक चीज बताइए, मतीन जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मतीन जी रुकिए रुकिए, मतीन जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर हमारा बच्चा किसी काम को करने से मना करता है या वो हमारी बात नहीं मानता है तब आप क्या करते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, आप मार नहीं सकते, कोई मार सकता है बताइए, कोई अपने बच्चे को मारता नहीं है, कोई नहीं मारता, समझाता है, प्यार मोहब्बत से समझाता है, सरकार वही मैं कह रहा हूँ, अवेयर करें, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अवेयर करे, डंडा लेकर के कोई काम नहीं किया जा सकता, अवेयर करे, उनको जागरूक करे, उनको जागरूक करे, उनको जागरूक करे, जागरूक नहीं करेंगे नहीं, सरकार दवाएं देंगे नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज देंगे नहीं, एजुकेशन देंगे नहीं, एजुकेशन के नाम पे जो कुछ नहीं करेंगे, शिक्षित करेंगे नहीं, चक्रपाणी जी सभी सरकार करे, चक्रपाणी जी फाइनल कमेंट जी, फाइनल कमेंट, देखिए फाइनल यही है कि मन सबके लिए, देखो शासक संत समाज ये तीनों की दायित्व है, चाहे मौलाना हो, चाहे पादरी हो, चाहे संत हो, और समाज की और सरकार की, सबको एक मन बनाना पड़ेगा कि भाई जनसंख्या नियंत्रण करके देश को आगे ले चलना है हमें, और चाहे मतीन खान के बच्चे हो या किसी और के बच्चे, देखो हमारे तो बच्चे है नहीं, बच्चे बच्चे चिल्ला रहे, सबके बच्चों को सही व्यवस्था मिलनी चाहिए, चाहे शिक्षा सही मिलनी चाहिए, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था, हम तो मतीन खान के बच्चों की चिंता कर रहे हैं, मैं तो मतीन खान जी आपके बच्चों की चिंता कर रहा हूँ, और आप परेशान हो रहे हो फिर भी आप गालियां दिए जा रहे हो, आप हमें ही बोल रहे हो,
मैं तो चाहता हूं कि आपके और समाज के सभी वर्ग के बच्चों को सही उसको शिक्षा और चिकित्सा मिले, उसको फलने फूलने का मौका मिले, तो वो सब ये इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति कुछ हो नहीं सकती। संसाधनों पे सबको बराबर का मौका मिले, मनमोहन सिंह को पहला अधिकार मिलेगा। ठीक है चक्रमणी जी, आपकी बात हो गई। मतीन जी, सरकार जब लगातार कह रही है कि हम तमाम सुविधाएं भी देंगे आपको, भाई अगर आपको डंडा दिखाया जा रहा है तो साथ में ये भी तो दे रहे हैं कि आपको सुविधाएं भी दी जाएंगी, फिर आपको इतना डर क्यों? मुझे तो बड़ा वो आ रहा है कि वो लोग आज बैठ करके हिमायत कर रहे हैं जिनके बीवी बच्चे नहीं है। ये तो कानून को बनाना चाहिए, वो करना चाहिए कि जिनके बीवी बच्चे हो उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम कि इसका क्या होगा। वो खुद बीवी बच्चे वाले हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आप देश की चिंता नहीं कर रहे हो, देश की चिंता करो, देश की चिंता करो मतीन खान जी। अरे कैसे देश की चिंता करो, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ठीक है मतीन जी, आपका जवाब नहीं मिला। प्रियदर्शनी जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। जवाब मेरा मानना ये है कि इस ड्राफ्ट को रीथिंक करने की जरूरत है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स होता है, तो सोच समझ के नीति बनाने की जरूरत है। जैसे मैंने बहुत सारे सजेशंस दिए कि महिलाओं की अगर आपको स्थिति, महिलाओं की स्थिति को अगर मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं उनके मैरिजेबल एज को आप बढ़ा दीजिए, 21 कर दीजिए, और साथ ही साथ महिलाओं को, लड़कियों को इंसेंटिव दीजिए ताकि वो आगे चलकर एजुकेशनल इंसेंटिव दे दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए ताकि आगे चलकर वो समाज में एक सशक्त रूप से रह सके और वो स्वावलंबी बने और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, तो इससे ज्यादा पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन मुझे लगता है ज्यादा आएगी, क्योंकि महिलाएं जो हैं खुद को लेके एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेंगी। लेकिन जिस तरह की जाहिर सी बात है, अगर कानून आने की बात होती है, कानून लाने की बात होती है, तो इस पर चर्चा, परिचर्चा, मंथन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं हमें चाइना का एग्जाम्पल सामने रखना है और 1975 की गलती को सामने रखना है कि ये सारी गलतियां जो हैं वो आगे चलकर योगी सरकार से न हो। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मतीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चक्रपाणी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मैं नंदनीय जी से भी मैं चाहूँगा कि उन्होंने इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज का था वो यही था कि क्या वाकई में जनसंख्या नियंत्रण को कानूनी जामा पहनाने की ज़रूरत है। तो लबोलुआब यही निकल कर आया है कि हाँ वाकई में ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले सभी से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, एक स्वस्थ डिबेट करने की ज़रूरत है, और साफ तौर पर जो गलती हमारे पड़ोसी देश चाइना ने की वो गलती ना हो, इसके लिए मंथन करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।